आपका नाम क्या है? रविता देवी। पति का नाम? दिनेश रविता। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने रहे भारत में। भारत हाँ। क्या मामला है? मामला है कि हमको अति से करके हमको से बुलवालन गया है, कहा कि पुरमगल के लिया है 20,000 रुपये, हम किसी के नहीं दिए सर। नहीं दिए हैं? नहीं। आपने अगले बार बोला कि हमसे मुखिया 20,000 रुपया घूस लिया है, सही है? नहीं, हम कहा गया कि बोलो हम देंगे 20,000 रुपया, मुखिया घर बना देगा। कल तो मुखिया जी तो देवे कराए घर बनाने के लिए, तुम भी लिया गया सर तो तू भी बना देगा कि मुखिया बना देगा, तो नहीं हम देंगे जब दिया तो मुखिया से नहीं दिए हम पैसा। नहीं दिए हैं? नहीं। अच्छा, तो कौन लोग बोला कि बोलिए कि मैंने? अब कोई गाँव के आया तो कहा। गांव के लोग बोला? हाँ, हम उसी के नहीं, हम जानते कि क्या नाम है नहीं। अच्छा, आपसे नहीं मांगा पैसा मुखिया? नहीं नहीं मांगा। नहीं। मुखिया जी, आप पे एलिगेशन है कि आप कॉलोनी के एवज में घूस मांगे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे कुछ राजनीत एक प्रतिद्वंदी हैं जिन्होंने इस तरह का इल्जाम लगाया है। मेरा कहना यह है कि ठीक है, अगर मैंने इंदिरा आवास में पैसा मांगा है तो जिन लाभुक से मैंने पैसा मांगा है वो अभी हैं, प्रेजेंट में हैं, उनसे भी आप इस चीज़ का तहकीकात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, चूँकि उनका ये साजिश है और ये चुनाव से ही चलता आ रहा है, चूँकि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम एक समाज सेवक हैं और हमने ज़मीन से उठ के यहाँ तक आने का प्रयास किया है, जनता ने हमें वोट दे के जिताई है और मैं जन जन का सेवक हूं और जन जन का सेवा करने के लिए ही मैं तत्पर हूं। और कुछ लोगों को ये खल रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसको किस इल्जाम में फंसाया जाए ताकि ये फंसकर उलझ जाए और पंचायत का विकास न हो। जी, इस इंदिरा आवास का जो निकासी का मामला आया है इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच में अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं, किसी के द्वारा अगर जबरदस्ती बुलवाया जाता है तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो समाज में एक जो समाज सेवक होता है, जो समाज में काम करने वाला होता है, उस पे भार न पड़े और वो स्वतंत्रता पूर्वक समाज का सेवा कर सके।